काय विचारू नका. महाराष्ट्र में एक फॅशन आहे सर, लास्ट पॉइंट सर, महाराष्ट्र में एक फॅशन आहे सर की देर आर पीपल, नाव दिस इज समथिंग रिअली इम्पॉर्टंट, लास्ट पॉइंट आय प्रॉमिस यू अँड आय वॉन्ट टू रेज इट बिकॉज इट्स ऑफ सिरियस कन्सर्न. देर आर एजन्सीज ईडी सीबीआय, इफ समबडी हॅज नॉट डन कम्प्लायन्स आय एम रिक्वेस्टिंग यू दॅट सिस्टम हॅज टू बी फॉलोड, वेदर पीएमएलए वो फलाना ढिकना जो भी आपको करना है करो, बट वेन देर इज कम्प्लायन्स बिंग डन यू से दॅट सीबीआय ईडी आयटी इन्कम टॅक्स आर व्हेरी इंडिपेंडंट बॉडीज. इफ दे आर इंडिपेंडंट बॉडीज, हाऊ ऑन ट्विटर वी नो हू इन महाराष्ट्र इज गोइंग टू गेट रेडेड 3 days, 4 days एंड 5 days. ये 15 दिन में जेल जाएगा. आर दे एस्ट्रोलॉजर्स? वॉट हु आर दे? हाउ डू दे नो? मेघवाल जी ट्वीट पे आता है एंड आई कैन टेबल दिस, मेरे पास सब के डॉक्यूमेंट्स है, माई डेट मैं आपको बता सकती हूँ किसका डेट है. बोला इसको जेल में डाल देंगे इसको. सो देर आर ओनली टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, ईदर देन यू एडमिट दैट ईडी सीबीआई ऑल दीज एजेंसीज आर रन बाय द पीपल इन पावर टूडे. एडमिटेड, सच बोलो यार, अमित शाह जी सच बोलते हैं. आई थिंक आई शुड आस्क हिम ओनली, बाकी का पता नहीं, पाल ये सरकार में कौन सच बोलता है कोई नहीं, वो तो जरूर बोलते हैं. और द सेकंड क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क, आर देर लीक्स? अगर एक पेपर लीक होता है ना तो पूरी इंक्वायरी लगा देते आप, उस अफसर को जेल में डाल देते. जब आपका कार्यकर्ता, मैं आरोप कर रही हूं आज, मैं न्याय मांग रही हूं मेघवाल जी आपके सरकार को, कि अगर आपका कोई आदमी, आपके दो ऐसे आदमी है, मैं ट्विटर से प्रूफ कर सकती हूं, जिनको रेड कब, जेल कब, ईडी कब, सब जानते हैं, कोई नहीं पूछने वाला आपको. कर लीजिए, हमसे गलती होगी, फांसी दे दीजिए, यहां भी नहीं विजय चौक में मुझे फांसी दीजिए, कोई बात नहीं. लेकिन अगर गलती करी होगी तो आई डिजर्व अ फेयर ट्रायल. तो ये ईडी सीबीआई ऑल दीज थिंग्स दैट आर यूजिंग आर नॉट फेयर. लाइफ इज अ फुल सर्कल मेघवाल जी, कभी हम भी वहां बैठे, हमसे शायद वो पीएमएलए की गलती हो भी गई होगी शायद. थैंक यू, बट इट डिड हैंग अस वन डे. तो ऐसा आप मत करिए. थैंक यू सुप्रीम, बी फेयर एंड बी जस्ट.